बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब कोमल चित्त उदार हृदय होना चाहिए, आप बचें। चाहे कितना भी दोषी क्यों नहीं है, उसे राग नहीं रखना। राग द्वेष उसको कष्ट दे या न दे, पर आपका अंतःकरण दूषित कर देगा। बहुत सक्रिय लोग हैं मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं हम घर बार त्याग करके आए हैं, बस आपकी सेवा में उम्र गुजार रहे हैं। मैं जानता हूं ये कितना मुश्किल है, इस पर व्याख्या दूंगा। साहब ने दोनों के लिए रास्ता बोला है, ग्रस्त के लिए भी विरक्त के लिए भी परम पुरुष की प्राप्ति कर सकता है। तो दोनों के लिए परम पुरुष का रास्ता है। अगर दोनों के लिए नहीं होता तो आपको फिर मैं कहना था आप बाल बच्चे छोड़कर आ जाओ, पर विरक्त तो पक्का विरक्त, ग्रस्त तो पक्का ग्रस्त। अब साहब आगे कह रहे हैं, अगर ग्रस्त सभी कार्य करता हुआ भजन करता है, भजन जरूरी है। आप अगर इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई है ही नहीं। आप कहीं भी तो देख करके बता दो किसी शास्त्र में कि किसी महात्मा ने संसार को सुखों का घर कहा, कोई नहीं बोला, सब नहीं तो दुखों का घर बोला, तो फिर इसमें सुख ढूंढने की चेष्टा कितनी बेकार है। क्यों सुख नहीं है? काचे कुंभन पानी ठहरे, देह धरे का दंड है भुगतत है सबको, शरीर को धारण करना ही परम दुख है। कच्चे घड़े में कभी भी पानी रुक नहीं सकता है। इस तरह काया में 5 तत्व है, 25 प्रकृतियां हैं। हर एक को भोजन खाना है, हर एक को नित्यनेम करना है, तो आपको ऐसे फुर्सत नहीं मिलेगी। आप सभी कार्य करते हुए भी तो स्मरण कीजिए ना, बस अपनी रुचि एक जगह लगानी है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। और गृहस्थ का स्मरण बहुत ज्यादा फलदायी है। एक जगह साहब लिख रहे हैं, अगर विरक्त 24 घंटे ही स्मरण कर रहा है, ग्रस्त 1 घंटा करे बराबर हो जाएगा। यथा लाभ संतोष कर तृष्णा तरल तरंग। कभी कभी आदमी द्रवित हो जाता है, थोड़े कष्ट मिलते हैं दुनिया के लोग, उसी में गोते खाता रहता है, उससे निकलो। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसको ध्यान देना। इस समय अवसाद में लोग बहुत आ रहे हैं, अवसाद का मतलब डिप्रेशन। इसकी एक वजह है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से आदमी का ब्रेन 10% श्रिंक कर गया है, सुकड़ गया है 10%। जब हृदय सुकड़ जाता है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है, और जब किडनी श्रिंक कर जाती है पूरा सिस्टम शरीर का खराब हो जाता है। और हृदय मस्तिष्क तो पूरे हृदय को ऑपरेट करता है। अभी आश्रम में इतने पागल लोग आ रहे हैं, मैं हैरान हूं। हमारे गांव में बड़ा आदर्श गांव था, 4,000 लोगों की बस्ती थी, उसमें सिर्फ एक पागल था, वो भोलू उसका नाम रखा था। बचपन से ही थोड़ा वो कुंद बुद्धि था, एक ही आदमी को शुगर थी। अभी देखो बच्चे शुगर पेशेंट हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बहुत बुरी दशा है इस समय समाज की। इस पर मैं कई बार अपनी बातचीत कर चुका हूं।
रांझणी में 7-8 बार बंदगी होती है, लोग काफी आते हैं, बहुत आते हैं, और उस समय मैं उनसे बात कर लेता हूं, पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपको बताना चाहता हूं। आप उनसे सावधान होना, पहले फैमिली मैटर, आज वो योग है ना स्त्री पुरुष से संतुष्ट है न पुरुष स्त्री से संतुष्ट है, इसलिए फैमिली डिस्प्यूट बहुत है, बड़ा विकट संसार टाइम आ गया। एक स्त्री अपने दो बच्चे छोड़कर दूसरे आदमी के साथ चली जाती है, और आदमी अपने बच्चों को छोड़कर के दूसरी स्त्री के साथ चला जाता है, ये जटिल समस्या है। यानी अभी हमारी जो सोशल लाइफ है, सामाजिक हमारा जीवन जो भारत का वर्ल्ड में सबसे ऊंचा था, वो बिगड़ गया है। दूसरी बात, रोग बहुत हो गए, इतनी बीमारियां हो गई है, कुछ तो मत्था पीटने वाला काम करते हैं, कुछ तो पागलों को ले आते हैं मेरे पास, उनको समझा करके मैं औषध बताकर भेजता हूं, कुछ क्या करते हैं आप हैरान हो जाएंगे, पागलों को छोड़कर चले जाते हैं। और पागल है जब हम उसको भेजते हैं तो उसको कुछ पता नहीं है, घर वाले कितने गैर जिम्मेदार थे, जब कुछ कुछ पागल तो वैलेंस करते हैं, जब उनको थाने में ले जाते हैं तो थाने वाले क्या बोलते हैं, भैया इनको हम यहां क्या करेंगे, पागल खाने ले जाओ अस्पताल। जब अस्पताल में ले जाते हैं तो एक आदमी चाहिए साथ में, नहीं तो वो एडमिट नहीं करते हैं, एक वो भी परेशान है अस्पताल वाले, एक दो दिन रख करके कहते हैं ले जाओ अब इसको दवाई खिलाना। आश्रम में 8 पागल मर चुके, 8। मैं एक रोना नहीं रो रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं इस समय संसार में क्या हो रहा है, थोड़ा उससे सतर्क रहना। अब उनकी डेड बॉडी पहुंचानी पड़ती है। आपके पंजाब की बात बताता हूं, मुकेरियां से एक फौजी अपने भाई को छोड़ के गया, वो डिस्टर्ब था, जिनको ये पता है हाथ खड़ा करें। हाँ, कमलजीत को पता है, हम झूठी बात तो करते ही नहीं ना। मैंने उसके भाई को, फौजी को बोला इसको तुम ले जाओ, यहां नहीं छोड़ो। वो नहीं ले गया उसको, और पागल था, डिस्टर्ब था, यहां से चला गया। जब चला गया राया मोड़ पर सुपरफास्ट बस के नीचे आ गया, मर गया। पुलिस ने देखा इसका कोई अता पता नहीं, लावारिस करके उन्होंने मेडिकल कॉलेज में भेज दिया। फिर उन लावारिसकों को क्या करता है मेडिकल कॉलेज में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर वो रिसर्च कराते हैं। लेकिन इतने में मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी ये जो पागल गया इसने जो कुर्ता पजामा पहना था ये आश्रम का लग रहा है। मैंने फौरन पुलिस से संपर्क किया, ये एक सत्संग का हिस्सा है, आप ध्यान देना इस पर। पुलिस वालों ने कहा भाई पहले हमने एक दो दिन ध्यान दिया इस पर, कोई आया नहीं, हमने लावारिस करके इसको मेडिकल कॉलेज में भेजा है। अब उस फौजी को कौन मुझ तक लाया था, बराड़े का कैप्टन है, बराड़े का वो लाया पहुंचाया था, SM था वो, उसकी बटालियन का जवान था। अब मेडिकल कॉलेज में पंचनामा करके पुलिस का वो पूरा बोर्ड बिठा करके तब हमारे पास वो बॉडी दी। अब यहां मेरा ये काम था उस बॉडी को पहुंचाना था,
कहाँ मुकेरियम नहीं, अब बॉडी को मुझे उसका घर कहाँ है मुझे नहीं पता था, मुझे ये कब पता था, बराड़े का कैप्टन जो है उसने भेजा था उस आदमी को, उसको मैं फोन किया, ये दुनिया पागल है या पूरी। मैंने कहा भाई जिस आदमी को आपने भेजा था उसका भाई पागल था, वो छोड़ के चला गया और बस के नीचे आ गया है, कोई आदमी हो यहाँ उस आदमी को खबर करो भाई को ले जाए। अब वो कैप्टन क्या बोल रहा है आप सोचो, मत्था पीटने की इच्छा होती है, बुलाओ गुरुजी वो तो चला गया है टेम्पररी ड्यूटी गुजरात, उसको कैसे खबर दें। मैंने कहा सुनो, जब आपने उसको टेम्पररी ड्यूटी भेजा है तो मूवमेंट ऑर्डर दिया होगा ना, कहाँ गया वहां खबर करो। अब वो कैप्टन कह रहा है उनको कहाँ ढूंढूं, आप सोचे ना आदमी क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें सख्त होना पड़ रहा है थोड़ा यहां। मैं आपको चंद एक उदाहरण दूंगा, तो बमुश्किल उसको हम यहां से लिए हैं। अब वो फौजी क्या बोल रहा है कि मैं यहां टेम्पररी ड्यूटी हूं, यहां से नहीं आ सकता हूं, हमारे घर लाश पहुंचाओ। उसको गाड़ी से पहुंचाया वहां। मैंने उस आदमी से कहा भाई मैं तुम्हें मना भी किया था, पागल को नहीं छोड़ के जाओ, आठ ऐसे पागल में आपका टाइम जाया नहीं करता हूं। इस तरह से ये समस्याएं बढ़ रही है, लोग पागलपंती में आजकल ज्यादा आ रहे हैं। आपको एक राय दूंगा, टेंशन मत लेना, पागलपंती की पहली स्टेज है टेंशन लेना। मैं आपको एक उदाहरण आज भी दे रहा हूं। एक भाई ने मुझे चिट्ठी लिखी, यहां आई है, बंदा मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, कहीं राजस्थान के, माई बड़ी परेशान थी, किसी के घर की बातें नहीं बोल रहा हूं और नाम लेकर नहीं बोल रहा हूं, माई बेचारी बहुत रो रही थी। अब कह रहे हैं बंदा दूसरी शादी करना चाहता है, मैं गुरुजी कहाँ जाऊंगी, और वो बोल रहा है दोनों को रखूंगा, भारतीय विवाह नियम के अनुसार यहां का आदमी दूसरी शादी कर ही नहीं सकता है दो। अब वो बहुत परेशान है। मैंने कहा माई तुम्हें घर तो जाना ही पड़ेगा, कल कोई बात हुई तो लोग आश्रम को इन्वॉल्व करेंगे। इस किस्म की कुछ समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और नशे वालों को लोग छोड़ के जाते हैं यहां। अपने बच्चों पर नजर रखना और चेक करना उनके ऐप स्टोर में जाकर, इन्होंने डेटिंग ऐप को तो नहीं किया है, उसमें आवारा लोगों का झुरमुट है और बच्चे उसमें उलझते हैं, फिर वो उलझ करके फ्रेंड बना करके पूरे गलत कामों में फंस जाते हैं। ऐसी समस्याएं ज्यादा। अब आपको एक और उदाहरण दूंगा, इसलिए हमने यहां सख्ती की है, किसी को रुकने ही नहीं दे रहा हूं आजकल मैं आश्रम में। हां जो पहचान वाला है उसको रुकने देता हूं। पंजाब से एक माई आई, वेल एजुकेटेड थी, परिवार भी ठीक था, बच्चा करता था नशा, उसको नशा मुक्ति केंद्र में रखा, ठीक नहीं हुआ। माई बाप इधर ले आए, मैंने उसको समझाया भाई पहले ऐसे नाम नहीं दूंगा, 3 महीने कम से कम नशा छोड़े हुए होना चाहिए। अच्छा तो क्या हुआ, नशा, उसका दिमाग खराब हुआ, चाकू लेकर के आश्रम में सबको डरा रहा था और धमाल मचा दिया, और पागल आदमी में ताकत ज्यादा नहीं होती, लगाता ज्यादा है। अब नंद किशोर बैठा है, अगर ताकत लगाना है हिसाब से लगाएगा कि भाई बाद में मुझे कोई दिक्कत नहीं आए, मेरी टांगे हाथ वो कमर खराब नहीं हो जाए। पागल थोड़ी सोचता है, वो तो अंधाधुंध ताकत लगाता है।
5-6 आदमी बहुत अच्छी तरह से पकड़े, उसको चाकू छीना, लात घुसा मुक्का चला रहा था, फिर लोगों ने उसको गूंदा यहां अच्छी तरह, और यह भी गलत है। फिर मैंने उनको कहा भाई देखो आप लोग इधर नहीं आना, और कुछ नशा करने वाले आते हैं और मुझे कहते हैं जाना है किराया दे दो, क्या ये कोई सिस्टम है? इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं इन सब चीजों पर आप पूरा पूरा गौर करना। इस बाबत हमने क्या किया, आश्रम में हम अनजान और किसी को रुकने ही नहीं दे रहे हैं। अब आप कहेंगे एक जनानी आई भाई घर में लड़ाई करके, मैंने कहा जब पूछा कहां से है कैसा है, बंदे को नहीं बताया, कल बंदा मिसिंग की रिपोर्ट अगर दे देगा ना तो कुछ लेना ना देना और झंझट में पड़ना है। मैंने कहा भाई आपको घर जाना है, माई कह रही घर नहीं जाऊंगी, आपके शरण अगर तुम्हें समझ रहा हूं आपकी बात, तो आइए मैं ये कहने जा रहा हूं जाके सुख सब धाम है मन विरक्त हो जाए। आप ग्रस्त में रहकर भी भजन कर सकते हैं, मेरा एक दावा है और सब संतों ने इसको कहा है, जो सुख को चाहे सदा तो शरण नाम की ले। कैसी कैसी विडंबना है, मैं एक उदाहरण दूंगा। कभी कभी अयोग्य आदमी को मुझे नाम देना पड़ता है, आप लोग मजबूर करते हैं। एक परिवार था, कुटुंब था, उसमें बहुत लोग नाम लिए थे, लेकिन एक बुड्ढा था, वो किसी दूसरे पंथ से जुड़ा था, घर में रोज ढोल बजता था, वो उस पंथ के बड़ा पंथ है, सब ढोल मजीरे में नाचते कूदते हैं, भूत प्रेत मानते हैं, बाकी कहते हैं संत मत है। ये कैसा संत मत है, साच कहो तो मारंद है, झूठ कहा नहीं जाए, आप देख रहे होंगे पंजाब में भी। तो उनके बच्चे पोतरे सब नामी थे, अच्छे थे, मुझे आकर कहा गुरुजी इसको नाम अभी ये नहीं मान रहा था, 80 साल उम्र है, सीधा सीधा कहता है 60 साल हो गए मैं तो नाम लिया हुआ है। और घर में बोला गुरुजी हमारे आकर ढोल कूटते थे सियाने, ये बुड्ढा उनको बुलाता था, हमारा जीना आराम कर दिया था, और हमने तो आपकी भक्ति पकड़ी है। देखिए समस्याएं आती है, लेकिन दोत्रू पोत्रू और बहुएं वगैरह लगी रही उस बुड्ढे को, आखिर में बड़ी मुश्किल से समझाया, एग्री हुआ। शर्त क्या रखी बुड्ढे के बच्चे ने, साहब इत्थे आकर मुझे नाम देगा तब मैं नाम लूंगा। अब मुझे एक गल बताओ ऐसे मैं लोगों की फरमाइश मानता चलूं क्या, उसके पियो का नौकर हूं, उठे जाकर के नाम दे हूं मैं। मैंने उनको बच्चों को कहा भाई ये ट्रेडिशन नहीं है, वो चलता फिरता है, थोड़ा बहुत उठता बैठता है, इतने लाओ। अजी वो बड़ी मुश्किल से माने, बोला इतने ही आ जाए। तो अब वो उसके सब जो दोत्रू पोत्रू मेरे सामने बेचारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, गुरुजी इसको मत देखो हमारी तरफ देखो, सियाने आकर ढोल पीटते हैं, तो जब हम किसी को समझाते हैं तो सीधा कहते तेरे घर तो ढोल पीट रहा है, बस इससे हमारा पिंडा छुड़ाओ नाम दे दो। जब मैं उसके घर में पहुंचा, बुड्ढा एक कमरे में था, एक खटिया थी ढीली, उसमें वो बैठा था, अद्धा दिख रहा था, खटिया इतनी ढीली ढीली थी पता नहीं उसको इसमें झूला लेता था या मजा आ रहा था, खटिया बड़ी ढीली थी, बैठा था अद्धा दिख रहा था, अद्धा लट यानी ढीली खटिया थी, अद्धा अंदर था। मैं जब वहां पहुंचा मुझे लगा मैं बीड़ी की फैक्ट्री के अंदर आ गया हूं, चारों तरफ बीड़ी की भी महक, इतनी गंदी महक होती है पूरे कमरे में, और उठे बैठा। मैं बोला बाबे बता नाम लेगा क्या तू, वो तो ढोल पीटता था 60 साल से, मैं उठो नाम लिया हुआ। बोला नाम लूंगा, मैं कहा पूरे दिल से, बोला हाँ।
अच्छा जी फिर क्या हुआ? मैंने कहा फिर थल्ले या खटिया पर नाम नहीं दिया जाता है। अब थल्ले जब बिठाया नामदान दे दिया। संयोग ऐसा हुआ कुछ दिन बाद वो बूढ़ा चल बसा। पता है उस पंथ के लोगों ने ढोल कुट कुट के कहा कि देखा इत्थों गया नाम लिया उत्थे जाके मर गया। मैंने कहा बस ये दुनिया क्या है। मैं कहा बात सुनो, मैं करीब 16-17 लाख लोगों को दीक्षा दिया हूं, ऐसा नहीं है किसी को नाम दिया उत्थे ही मर गया। फिर झूठ का न सर है न पैर है, आपको भी दिक्कतें आएगी। तो बंधुओं कह रहे हैं दावा है मेरा, सुख में सुमरण करता नहीं और दुख में करता याद, कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं डिफाल्टर, यहां रह करके कुछ गलत किया भगा दिया, बुरी दशा में आ जाते हैं, कहते हैं कृपा करो। क्या कृपा करें? अभी यहां साहब ने भी तो शब्द साफ साफ बोल दिए, गुरु बेचारा क्या करे, बेचारा बोल दिया गुरु को, जबकि एक जगह परमात्मा से बड़ा बोल रहे हैं, अब बेचारा बोल रहे हैं। गुरु बेचारा क्या करे जब चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए। कर्ण यानी रहन सहन ठीक नहीं है और 100% की कृपा चाह रहे हैं। यहां भी साहब ने तंज कस दिया, सुख में सुमरण करता नहीं और दुख में करता याद, कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। तो भैया ये ग्रस्त में भी रहकर सूरज जोड़े रखना है, ग्रस्त आश्रम में भी जीवन जीने की शैली मैंने आपको समझाई है। मन विरक्त हो जाए यानी अपने मन को दुनिया में नहीं उलझाना। ग्रही सो साधु जानिए, वो साधु हैं, वो साधु है। हमें आज तक मैं एक को भी भेष नहीं दिया हूं। बीच में मैं आपको दुनिया के लोगों की हालत बताना चाहता हूं, आपको ध्यान होगा। मैंने कुछ समय पहले बताया था यहां 7-8 पागल, 3-4 लेडी, 3-4 आदमी हैं, काफी टाइम से हैं, यानी दिमाग नहीं है और कमांडर है। क्या है वो? पूरे कमांडर है। क्या बताऊं उनकी बात। उनमें से एक से मैंने पूछा 7 और 9 कितने होते हैं, कमांडर से बोला वक्त दो। वक्त दे कितना? बोला 2-3 दिन, लेकिन शाम को आकर बोला 16 होते हैं। मैंने 500 का नोट निकाला जेब से, उसको इनाम दिया। उस कमांडर ने सोचा कि बहुत बड़ी पहली जो थी समस्या मैंने हल करके दिखाई, खुशी से उसका ठिकाना नहीं था। मैंने बोला तूने वक्त 2-3 दिन मांगा था, पर ये कठिन काम तूने आधे दिन में कर दिया है, इसलिए 500 रुपये नाम। ऐसे ऐसे कमांडर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, नंद किशोर जैसे लोग जो कमाऊ पूत हैं और घर में बैठे हुए अपना बिजनेस चला रहे हैं। पागलों का जब समूह इधर रांझड़ी में भेज देते हैं तो हम फिर जाएं तो जाएं कहाँ, हमें तो सख्त होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ये समस्या है। यहां साहब ने एक शब्द कह दिया, साहब दिया मोगरा तो घाले पड़ा। मोगरा यमराज का हथियार है, मोगरी से माता है मैंने कपड़े धोती है, मोगरा बहुत जबरदस्त है। पहला मोगरा निरंजन को दिया, 3 लोग की रचना करना पड़ा। दूसरा मोगरा आदिशक्ति को दिया, त्रिदेव की उत्पत्ति करना पड़ा। तीसरा मोगरा विष्णु को देना,
संसार का पालन करना पड़ा। चौथा मोगरा शिव शंकर को देना, पांचवा मोगरा, पांचवा मोगरा शंकर को देना, तीन लोग संहार करना पड़ा। ये सभी ड्यूटी कर रहे हैं भैया। ब्रह्मा सृष्टि करता है, तन बनाता है, विष्णु जी पालन करता है, नाभि में रहता है, शिव संहार करता। एक असुर था, विष्णु जी को और शिव जी को मारना चाहता था, बड़ी तपस्या की थी। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उनको कहा ठीक है आप इनको मारना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों जो काम कर रहे हैं वो तुम अगर कर सकते हो तो ठीक है, सबका पालन करना बहुत बड़ी ड्यूटी है। फिर असुर पीछे हट गया, बोला नहीं ये नहीं कर पाऊंगा मैं। तो पांचवा मुगरा शिवजी को देना, तीन लोक की रचना करना पड़ा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संतन छठा मुगरा ग्रस्तन को देना, घर ग्रस्ती का संचालन करना पड़ा। देखो सब लगे हुए ना, बीवी बाल बच्चों का पालन करना, पढ़ाना लिखाना, ये मोगरा है निरंजन का, ठीक है। आत्मा का ना कोई बीवी है, ना कोई भाई है, ना बेटा है, ना कोई माँ है, ना बेटी है, ये तो सब माया भी खेल है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संतन के मैं दो दो धर्म। हाँ, आपने कभी सोचा नहीं जिस ड्यूटी को मैं कर रहा हूं कितनी टफ है, अहंकार से नहीं बोल रहा। 425 आश्रम है, सबका व्यवस्था देखनी है। इतना ही नहीं है, इन सब जगहों पर जाना पड़ता है। आपको ध्यान होगा, ये तीन चार साल हुए मैंने यात्राएं कम कर दी डॉक्टर के कहने से। कभी मैंने जलंधर का एक भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया था। 2019 से पहले, 2017 से पहले पपी कोई प्रोग्राम कैंसिल किया क्या मैंने? मैंने नहीं किया कोई भी प्रोग्राम कैंसिल। बस दस्तूर सब जगह जा रहा था मैं, न जाने कितने फोन आते हैं, न जाने कितनी चिट्ठियां हैं। सभी आश्रमों की पूरी व्यवस्था देखनी है, कृपा उनकी से सब चल रहा है। लेकिन ये कोई छोटा काम है, बहुत टफ है। अब दिल में सोचो, मैं एक बात कहने लगा, मैं पागलों की बात कह रहा हूं, आपको भी ध्यान होगा। मैं कहा भाई अब अगले साल 18 अप्रैल को मेरा 75वां जन्मदिन है, तो हमें लोगों ने कहा हम डायमंड जुबली मनाएंगे। मैं कोई दूध पीता बच्चा भी नहीं हूं, इनमें जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है, 74 से, हाथ खड़ा करो। सिर्फ एक आदमी हाथ खड़ा किया, तीन आश्रम देख रहे और मैं लाइव प्रोग्राम दे रहा हूं। तो मैंने क्या कहा आप ध्यान से सुनना, मैंने कहा मैं खुद देख रहा हूं कि कोई इस कुर्सी पर बैठने आए, मैं अपनी जगह जाऊं। माँ बाप जब इतना मेहनत करके जाते हैं दुनिया से तो अपनी पूरी संपत्ति बच्चों को देते हैं, तो साहब की कृपा से उन्होंने कराया, इतना परिश्रम किया, तो मैं ये स्थान भी तो किसी के हवाले करना चाहूंगा ना, जो आगे इसको बढ़ाए। ऐसे नालायक को तो नहीं देना है ना जो पूरा मिटा दे। तो मैं तो सोच रहा हूं, इतने में एक श्रीमान आया लड़का बोला 8 साल पहले आपने मुझे संन्यास दिया, तो मैं आपके नियम का पालन करता हूं। आप कौन सा उत्तराधिकारी चुनना चाहते? मैं नहीं हूं क्या आपका उत्तराधिकारी?
उसने कहा आप कौन सा उत्तराधिकारी चुनना चाह रहे हैं। मैं बोला मेरे भाई आज तक मैं किसी को संन्यास दिया ही नहीं। कुछ इस तरह से कर्तव्य विमूढ़ आते हैं ना, उनको मैं घर पठाता हूं। एक आया कहने लगा गुरुजी दुनिया झूठी है, मैं आपके शरणागत हूं, अब मैं घर द्वार नहीं जाना है, संन्यास लूंगा। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने पूछा बच्चे कितने हैं, बोला चार। अब कितने बड़े हैं ये जानने के लिए पूछा मैंने कौन कौन सी क्लास में, कोई पांचवी में था, कोई तीसरी में था, कोई दूसरी में था, कोई दूध पीता था। मैं उसको संन्यास देता दुनिया मुझसे कई प्रश्न नहीं पूछना था। किसके चार बच्चे उस गरीबड़ी के हवाले करके आए, तुम कौन से गुरु हो कि इसको संन्यास दे दिया, उनको कौन देखेगा। संन्यास ऐसे ही नहीं होता है। एक दिन मैंने सत्संग में कहा सतलोक पहुंचने की म्याद 6 महीने है, नाम लेने के 6 महीने में आदमी सतलोक पहुंच सकता है, ऐसा साहब ने कहा है, पर नियम पर चले। इतने में क्या हुआ वो आप ध्यान से सुनो। अब साहब क्या कह रहे हैं, सहज जन जानो साहब की प्रीत। 4 आदमी तैयार हुए, मैंने ये प्रसंग पहले भी उठाया, बोला गुरुजी हमें दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, आपने भी शादी नहीं की, बचपन में ही गुरु की सेवा में लगे। मैंने कहा ठीक है, हम भी सेवा में रहना चाहते हैं, संन्यास लेंगे, आपके आश्रम रहेंगे, बस भजन करेंगे। मैं जानता था ये काम आसान नहीं है, युद्ध लड़ना आसान है, वार में युद्ध में जाना आसान है, भजन करना उससे भी मुश्किल है थी। तभी तो साहब ने कहा कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। मैंने उनको लाया रांझड़ी, किराया दिया, कपड़े दिए। मैंने कहा बात सुनो, जहां तुम रहना चाहो तुम्हें वहां भेज दूंगा, कोई हमारे आश्रम में दिक्कत नहीं है, चाहे मैं नहीं आ जा रहा हूं तो भी आश्रमों में गुरुवार को आना जाना लोगों का चलता है और भूख की कोई कमी नहीं। बस एक चीज रखना, आवारा गर्दी नहीं करना, माता बहनों का पीछा नहीं करना, चोरी नहीं करना और किसी को अहंकार भी नहीं करना, रहो आपके लिए कोई कमी नहीं है। मैंने पूछा कहाँ रहना चाहते हो, एक ने कहा बस यहीं रहना है, दूसरे ने कहा जहां थोड़ी भीड़ कम हो, लोगों की आवाजाही कम, भजन करूं, तो उस रखबंधु भेज दिया। मैं कहा वहां रहे। तीसरे को बोला तुम्हारा क्या विचार है, बोला बस गुरुजी थोड़ी एकांत हमें भी चाहिए, ऐसा आश्रम बताओ जहां मैं ध्यान भजन करूं। मैं कहा अखनूर बहुत बड़ा आश्रम है, 100 कनाल जमीन है, वहां अपना तू, तुझे कोई मन नहीं बोलेगा काम करना नहीं करना, भजन करना, भोजन मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चौथा बोला नितांत एकांत चाहिए मुझे ऐसे आश्रम में, उसको मैं झिड़ी कठार भेज दिया, ये रियासी और अखनूर के बीच में है, बहुत नदी के किनारे एकांत आश्रम है। जो देखे हैं वो आश्रम हाथ खड़ा करें। उसके आगे ही सोनी महवाल जो है डूबे थे, वो ही नदी गुजर जाती थी, उसको रखा। थोड़े दिन बाद आप ये सुनना, जिनसे स्मरण घर में न बने तिनसे बन जाए कभो न बने। आप ग्रस्त आश्रम में प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, बाकी बहम में नहीं रहना, और उसमें आप नियम का पालन करना है, रिस्क नहीं है। अगर आप ज्यादा काम ने, हालांकि उसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करो, काम ने जोर भरा तो आपकी अपनी पत्नी है, उतना पाप नहीं है, आप पर स्त्री का मन नहीं करेंगे फिर, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। एक आया मुझे कहा गुरुजी मैंने कुछ कर्जा लिया है,
आप कृपा करो, थोड़े दिन मुझे घर में भेजो, मैं कमा कर कर्जा चुका कर फिर आऊंगा। मैं कहा बात सुन, तुमने तो कहा था कि मैं फ्री हूं अब चलूंगा, चलो ठीक है। कर्जा है ना, कितना है? बोला 10,000 रुपये। ये काफी पुरानी बात बता रहा हूं। मैं बोला 10,000 मैं दे देता हूं। मैंने उसे कहा भाई 10,000 रुपये मैं दे देता हूं, क्यों आप जा रहे हो, ठीक है यहीं रहो भजन करो। बोला गुरुजी नहीं, आपसे नहीं लेना है, मैं फिर आऊंगा। आज तक वो फिर मुझे नजर नहीं आया। अगर वो आया भी होगा तो चोरों की तरह पीछे बैठा होगा, जिनको मैं यहां से भगा देता हूं वो आते हैं पर मेरे सामने नहीं आते हैं, वो ऐसे घूम फिर करके उधर से जाते हैं। तो आजकल मैं क्या कर रहा हूं, जिनको रिजेक्टेड लोग हैं उनका फोटो खींचूंगा और फोटो लगाऊंगा कि इस उदाहरण के लिए नंद किशोर को आश्रम आना मना किया है, जिनको नंद किशोर नजर आए मुझे बताना। वो आते हैं बदस्तूर पर मेरे सामने नहीं आते। चला गया, और जो चला गया उसे भूल जा, न आए का हर्ष न गए का गुन्ना, कहे कबीर भजन कर बुन्ना। मैं भी शांत रहा। दूसरे ने कहा गुरुजी माताजी बहुत बूढ़ी है, देखो नर पर नहीं पड़ती तुम्हारी। साहब बोले बस मुझे थोड़ी इजाजत दो, उनकी भी सेवा करें और जब माताजी शरीर छोड़ देगी आ जाऊंगा। मैं कहा और भाई भूई नहीं है? बोला वो नहीं कर रहे ध्यान। मैं कहा मैं जान गया इसका मन यहां नहीं लगा। तभी तो साहब ने एक शब्द कहा, जिनसे स्मरण घर में न बने तिनसे ही बन जाए कभू न बने, ना आए का हर्ष न गए का गुना, जा भैया। तीसरा पता क्या बोला थोड़े दिन बाद? बोला गुरु जी यहां ठंड पड़ी है। यहां ठंड बड़ी है, मध्य प्रदेश में ही कहीं ले चलो, वहीं किसी आश्रम में रखना। मैं जान गया ये भी जाने वाला, जा भैया तू भी, वो चल। चौथा तो पूछा ही नहीं और चुपचाप भग गया। ये हाल है। वो एक कहानी है, चार यार शेरे गदाई, यके शेख खुर्दम यके शेख माई, बादशाह बंद खाने और गुलाम है पाई बादशाही। एक कहानी में ये शब्द है, चार यार शेरे गदाई यानी एक साथ निकले थे कहीं, यके शेर खुर्दम एक को शेर खा गया, यके शेख माही माही एक को सांप ने डस लिया, बाकी दो बचे। बादशाह बंद खाने में गुलामे पाई बादशाही, जो गुलाम था चौथा वो कहीं राजा मर गया था, राजा ने कहा जो पहले इधर से आए उसको गद्दी देना, तो वो गुलाम गद्दी पर बैठ गया। और बादशाह को कहीं लोगों ने कहा कहां से आया क्या है, जासूस है, जेल में डाल दिया। तो उसने एक चिट्ठी लिखी अपने उस गुलाम को, चार यार शेरे गदाई यानी एक साथ निकले, यखे शेख खुर्दम एक को शेर खा गया जंगल, यखे शेख माई माई सांप को कहते हैं, एक को शेर खाया। गुलाम है बादशाह बंद खाने में, बोला वो तुम्हारा जो मैं बादशाह हूं वो हूं बंद खाने में, गुलाम है पाई बादशाही। तो वही चार यार फिर चले गए, फिर मुझे नजर भी नहीं आया। सहज जन जानो साहिब की रीत। तो भैया गृहस्थ आश्रम में बहुत अच्छा है, आप भजन करो, उस नियम का पालन करते चलना, कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगी। आगे क्या कह रहे हैं, न्याय धर्म चित युद्ध कर्म सब करें न कभो अन्याय। तो आपको वो फिर सात नियम जो बताए पालन करना वो तपस्या है, और गृहस्थ आश्रम में जो पाप होते हैं वो सुनो। गृह काज में पाप भव नित लागे मन मन सुन लोहे लोहे आदमी को कहते हैं। गृहस्थ आश्रम में बहुत पाप है, क्या है, तहते दान अवश्य है दूर तहते हुए, चक्की, अरे भाई चक्की जब चलती है तो आटा पीसते हैं तो कई कीड़े नहीं मर जाते, दाल जो आपकी है उसमें भी कीड़े हैं कभी कभी पक नहीं जाते, और झाड़ू यानी चक्की में भी जीव मर गए, चूल्हा चूल्हे में भी जीव मर जाते हैं।
चक्की चूल्हा चौका जब लिपाई करते हैं उसमें भी, इसलिए आश्रम में हमारे यहाँ गोबर की लिपाई मना है। और झाड़ू, झाड़ू लगाते जीव मर नहीं जाते, इसलिए और युगन में आदमी जप तप करता था, पर कटे दान से पाप। इसलिए आगे क्या कह रहे हैं, और युगन में ग्रही कर योग यज्ञ मुख जाप, कल में सो कुछ होए नहीं कटे दान से पाप। और गुरुबिन दान जो देते हैं, गुरुबिन लेते नाम, गुरुबिन दान हराम है बूझो वेद पुराण। ये भी इसलिए पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए तह दान, देंदा लेंदा सुख लहे कबो न होता।